हम देखते हैं कि अहोरा ने कई सारे ओमनी किंग को मार दिया होता है, लेकिन तभी क्यूगा को यह सब देखकर काफी गुस्सा आने लगता है और उसके अंदर से एक अजीब सी ताकत बाहर आने लगती है, जिसे देखकर अहोरा काफी खुश हो जाता है और कहता है, क्या बात है, लगता है तुम्हारे पास मेरे लिए कुछ है। इस पे क्योगा कहता है, आपको ये सब रोकना होगा, आप बिना वजह इन सभी को मार रहे हैं, आप ये नहीं कर सकते। इस पे अहोरा कहता है, तो ये करने से तुम मुझे रोकोगे? चलो भी क्योगा, कोड़ा ने तो मेरा साथ देने से मना कर दिया, लेकिन तुम चाहो तो तुम मेरा साथ दे सकते हो। क्या तुम्हारा पिता तुमसे इतने भी उम्मीद नहीं कर सकता? इस पे क्योगा कहता है, कोड़ा ने बिल्कुल सही किया और मैं भी बिल्कुल यही करूंगा। इस पे अहोरा कहता है, अफसोस, लगता है कि मुझे शायद तुम्हें भी अपने हाथों से खत्म करना होगा, लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें भी बराबरी का मौका दूंगा। इस पे जोमान कहता है, क्योगा, ये तुम भला क्या कर रहे हो? तुमने उसकी ताकत को देखा नहीं, तुम उसके सामने कुछ नहीं कर पाओगे। इस पे क्योगा कहता है, मैं बाकियों की तरह यहां पर खड़ा रहकर ये सब कुछ नहीं देख सकता। इस पे गोरोशी कहता है, क्योगा, तुम भी ये बात को अच्छे से जानते हो, तुम्हारे पिता का सामना करने योग्य यहां पर कोई भी नहीं है। इस पे क्योगा कहता है, मुझे इन सब चीजों की परवाह नहीं है, पिताजी तैयार हो जाइए। इस पे अहोरा कहता है, क्यों नहीं, मैं कब से तैयार हूं बेटे। ये कहने के बाद हम देखते हैं कि क्योगा अहोरा पे अपना हमला करता है, लेकिन हम देखते हैं कि अहोरा उसे काफी आसानी से रोक लेता है और उससे कहता है, क्या भला ये क्या बात हुई, तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो? तुम्हारी जो ताकत अभी दिख रही थी वो कहाँ है? उसे बाहर आने दो क्योगा। इस पे क्योगा कुछ नहीं कहता और लगातार वो अहोरा पे अपना हमला करने लगता है, लेकिन अहोरा उसके सारे हमले को रोके जा रहा होता है और वो कहता है, मुझे ये देख के बहुत ही ज्यादा हैरानी हो रही है कि तुम अभी भी अपनी पावर को रोक रहे हो, तुम बेवकूफ हो क्योगा। ये कहने के बाद हम देखते हैं कि अहोरा क्योगा पे अपना एक पंच करता है, जिसे कि क्योगा रोक नहीं पाता और काफी दूर जाके गिरता है। इस पे भी कहता है, आखिर क्योगा करना क्या चाहता है, क्या ये पागल हो गया है? मैंने कहा था उसके लिए ये नामुमकिन है, पता नहीं आखिर वो क्या सोचकर अहोरा से लड़ने चला गया। इस पे गोरोशी कहता है, बड़े भाई, मुझे लगता है क्योगा के पास कुछ छुपी हुई ताकत है, क्योंकि मैंने एक अजीब सी ताकत को महसूस किया था। इस पे यामोशी कहता है, मैं जानता हूं गोरोशी तुम किस बारे में बात कर रहे हो, लेकिन क्योगा का उसकी ताकत पे कोई भी कंट्रोल नहीं है और मैं जानता हूं वो उसे इस्तेमाल नहीं करेगा। हम देखते हैं कि क्योगा दोबारा उठने की कोशिश करता है। इस पे अहोरा कहता है, क्या बात है क्योगा, तुम अपनी पूरी कोशिश करो, मैंने कहा ना, मैं तुम्हें बराबरी का मौका दूंगा। अहोरा के ये कहने के बाद हम देखते हैं कि क्योगा फिर से अपने पिता पे एक खतरनाक हमला करता है, लेकिन हम देखते हैं कि अहोरा उसके हमले को बहुत ही आसानी से रोक लेता है और उससे कहता है, क्या बात है, तुम्हें लगता है कि इस ताकत में तुम अपने पिता का सामना कर पाओगे? चलो भी क्योगा, अपनी छुपी हुई ताकत का इस्तेमाल करो, मैं यही देखने के लिए रुका हुआ हूं। क्योगा अहोरा की बातों पे ध्यान नहीं देता और उस पे लगातार अपना हमला किए जा रहा होता है।
उसे देख के ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं। पता नहीं ये बेकार की कोशिश आखिर ये क्यों कर रहा है। मैं जानता हूं वो उसे नहीं हरा पाएगा। तभी इस पे एक ओमनी गॉड कहता है, वो कमजोर होने के बाद भी उससे लड़ रहा है, लेकिन तुम सब सिर्फ उसे देख रहे हो। लेकिन मैं इतना कमजोर नहीं हूं, मैं उसे हराने में उसकी मदद करूंगा। और मैं एक ओमनी गॉड हूं, और मैं इस सयन से डर जाऊं ये बिल्कुल भी नहीं होगा। तभी ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, नहीं रुक जाइए लॉर्ड समा। हम देखते हैं कि वो ओमनी किंग किसी की भी नहीं सुनता और वो अहोरा की तरफ हमला करने के लिए चला जाता है। लेकिन हम देखते हैं कि अहोरा अचानक से उसके पीछे आ जाता है और उससे कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे और मेरी लड़ाई के बीच में आने की। ये कहने के बाद हम देखते हैं कि अहोरा उस ओमनी गॉड को एक ही झटके में खत्म कर देता है। ये देख के ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, नहीं लॉर्ड समा, मैंने कहा था इसका कोई भी फायदा नहीं है, लेकिन उन्होंने मेरी बात नहीं सुनी। ये देखकर क्योगा और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और हम देखते हैं कि वह लगातार फिर से अपने पिता पे कई सारे हमले को करने लगता है और कहता है, मैंने कहा ना रुक जाइए पिताजी, आप इन सभी को ऐसे नहीं मार सकते हैं। इस पे अहोरा कहता है, तुमने क्या कहा मेरे प्यारे बेटे, मुझे इन सबको नहीं मारना चाहिए, मुझे इस काम में बहुत ही ज्यादा सुकून मिल रहा है और मैं ये करूंगा। अभी तो मैंने बस शुरू किया है, अभी तो और भी कई सारे गॉड्स को मारना बाकी है, और तुम ओमनी सायन गॉड, सबसे आखिर में मैं तुम्हें मारूंगा। तुमने एक बहुत बड़ी गलती कर दी है, अगर तुम एक आम सायन होते तो मैं तुम्हें छोड़ देता, लेकिन तुम एक ओमनी गॉड के पद पे हो और मैं किसी भी ओमनी गॉड को नहीं छोड़ने वाला। और क्योगा, क्या बात है, तुम्हें ये देखकर अच्छा नहीं लग रहा, तो जरा इसे देखो, इसे तुम्हें देखकर थोड़ा और बुरा लगेगा। ये कहने के बाद अहोरा अपनी ताकत को थोड़ा सा बढ़ाता है और वो अपनी एक एनर्जी को प्रिपेयर करने लगता है। उसे देख के जोमान कहता है, आखिर ये क्या करने वाला है। तभी ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, नहीं कहीं ये। तभी हम देखते हैं कि अहोरा अपनी उस एनर्जी को उन सभी ओमनी गॉड्स पे छोड़ देता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि वहां पे जितने भी ओमनी गॉड्स मौजूद होते हैं वे सभी के सभी एक साथ मारे जाते हैं। ये देख के क्योगा और भी ज्यादा गुस्से में आने लगता है और वो कहता है, पिताजी आपको ये नहीं करना चाहिए था। ये कहने के बाद क्योगा अपने रेज मोड में आने लगता है और उसे देख के अहोरा कहता है, क्या बात है, लगता है अब थोड़ा ये मजेदार हो सकता है। तभी हम देखते हैं कि क्योगा काफी गुस्से में होता है और उसके अंदर से काफी ज्यादा एनर्जी निकलने लगती है। उसे देख के गोरोशी कहता है, क्योगा ये तो। इस पे यामोशी कहता है, इसमें हैरान कर देने वाली बात नहीं है, वो एक इलाइट सायन है तो उसके पास ये ताकत जरूर होगी। इस पे अहोरा कहता है, बहुत बढ़िया बेटे, चलो अब अपने पिता को अपनी असली ताकत दिखाओ। जैसे ही ये बात अहोरा कहता है हम देखते हैं कि क्योगा अहोरा के सामने अचानक से आ जाता है। अहोरा इतनी जल्दी उसे नहीं देख पाता और तभी हम देखते हैं कि क्योगा अहोरा पे एक जोरदार पंच करता है, जिसे कि अहोरा रोकने की कोशिश करता है। लेकिन हम देखते हैं कि अहोरा के सामने से क्योगा अचानक से गायब हो जाता है। अहोरा को कुछ भी समझ में नहीं आता
लेकिन तभी क्योगा अहोरा पे पीछे से एक जोरदार पंच मारता है। उसे अहोरा देख नहीं पाता और वो थोड़ा सा पीछे हट जाता है। इस पे गोबामा कहता है, क्या ये नामुमकिन है? ये भला कैसे हो सकता है? क्या इसने वाकई में किंग अहोरा को हिट किया? असंभव। इस पे ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, क्या मैं जो देख रहा हूं वो सच है? ये भला कैसे हो सकता है? ये क्योगा कैसे कर सकता है? वो इतना ताकतवर। हम देखते हैं कि क्योगा बहुत ही ज्यादा गुस्से में होता है और वो अहोरा पे फिर से एक जोरदार हमला करता है, जिससे कि वहां पर एक बड़ा धमाका होता है। और हम देखते हैं कि उस धमाके से अहोरा थोड़ा सा पीछे हट जाता है और अहोरा ये देख के कहता है, क्या बात है बेटे, मैं तुमसे बिल्कुल यही उम्मीद कर रहा था। मुझे तुम्हारी ताकत थोड़ी पसंद आई, मैं यही तो देखना चाह रहा था। इस पे गोरोशी कहता है, क्या बात है, मैंने कभी नहीं सोचा था क्योंकि इतना भी ज्यादा ताकतवर हो सकता है। इस पे जोमान कहता है, मैं भी ये कभी भी सोच नहीं सकता था क्योंकि की ताकत इतनी ज्यादा हो सकती है। इस पे सेनको भी कहता है, वाकई में इलाइट साइंस तो कमाल के होते हैं। उधर हम अहोरा को देखते हैं जो कि क्योगा की ताकत को देखकर काफी ज्यादा खुश हो रहा था, लेकिन क्योगा बहुत ही ज्यादा गुस्से में होता है। और हम देखते हैं कि क्योगा अचानक से फिर से अहोरा पे अपना हमला करता है, लेकिन इस बार उसके हमले को अहोरा सामने से पकड़ लेता है और उससे कहता है, तुम बार बार एक ही हमले का इस्तेमाल नहीं कर सकते। जंग के मैदान में ये करना एक बहुत बड़ी बेवकूफी है। ये कहने के बाद हम देखते हैं कि क्योगा अहोरा को अपने आप से छुड़ा लेता है और उस पे एक खतरनाक की ब्लास्ट करता है, लेकिन हम देखते हैं कि अहोरा उसे देख लेता है और क्योगा को वो काफी जोर का हिट करता है। क्योगा उसे रोक नहीं पाता और काफी दूर जाके गिरता है। इस पे अहोरा कहता है, मैं तो बस तुम्हें देख रहा था कि तुम्हारी ताकत आखिर किस लेवल तक पहुंची है, लेकिन मुझे खुशी हुई कि मैंने जितना तुम्हारे बारे में सोचा था और जितना तुमसे उम्मीद की थी, तुम उससे थोड़े से अच्छे निकले। हम देखते हैं कि क्योगा फिर से उठने की कोशिश करता है और फिर से वो उस पे अपना हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। इस पे अहोरा कहता है, क्या बात है क्योगा, मैंने तो इसकी उम्मीद बिल्कुल भी नहीं की थी। क्योगा फिर से अहोरा पे अपना हमला करने लगता है और हम देखते हैं कि अहोरा फिर से उसके हमले को रोके जा रहा होता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहां पर वो तीन ओमनी गॉड्स आ जाते हैं। इस पे ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, आखिरकार आप सभी लॉर्ड आ गए, लॉर्ड त्रस्तिन, लॉर्ड मिगोहा और लॉर्ड रायगासु, आप सबकी यहां पर बहुत जरूरत है। इस अहोरा ने सभी के सभी ओमनी गॉड्स को मार दिया है, अब सब कुछ आप पर निर्भर है। जैसे ही वो लॉर्ड अहोरा को देखते हैं, अहोरा रुक जाता है, लेकिन क्योगा रुकने का नाम नहीं लेता और वो अहोरा पे अपना हमला जारी रखता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि अहोरा क्योगा को अचानक से एक जोर का पंच फिर से मारता है, जिसे कि क्योगा रोक नहीं पाता और उस पंच से क्योगा बुरी तरीके से बेहोश होकर नीचे गिर जाता है। इस पे जोमान कहता है, ये भला इसने कैसे किया? अभी अभी क्योगा तो अच्छा लड़ रहा था। इस पे ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, मैं समझ गया, वो बस अपने बेटे की ताकत को आजमा रहा था और कुछ नहीं। इस पे अहोरा कहता है, तो आखिरकार मैं जिसका इंतजार सदियों से कर रहा था, तुम तीनों आज मेरे सामने खड़े हो,
मैंने सभी ओमनी गॉड्स को मार दिया है सिवाय तुम्हें छोड़कर। इस पे त्रस्तिन कहता है, पता नहीं ये कैसे हुआ, तुम वहां से बाहर कैसे आ गए, लेकिन इस बार हम तुम्हारा नाम और निशान मिटा देंगे। इस पे अहोरा कहता है, ये तुम सबकी गलतफहमी है, आज यहां पर तुम सब में से कोई भी नहीं बचेगा, मैं तुम सबको बहुत ही बुरी तरीके से मारूंगा।